हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार, टाइम एंड वर्क के पार्ट टू में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि IBPS PO क्लर्क में हमेशा आपको पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको नवार्ड, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, NICL और LIC में भी अभी जो एग्ज़ाम अपकमिंग है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए हम अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि राम कैन डू अ जॉब इन पैरेलल एलोन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, राम जो है 12 दिन में एक काम को कर रहा है। ठीक है, आगे श्याम कैन डू द सेम जॉब इन 15 डेज एलोन। अब श्याम लिख लिए, एक और तीसरा पर्सन है रवि, उसकी एफिशिएंसी 2/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ राम एंड श्याम टुगेदर। दोनों मिलके एक दिन में जितना काम करेगा उसका 2/3 रवि एक दिन में उतना काम करेगा। तो पूछा गया है कि रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले इसमें टोटल वर्क निकालते हैं, जैसा कि मैंने शुरू से ही अपने वीडियो लेक्चर में बताते आ रहा हूँ कि पहले इसमें टोटल वर्क निकालना है। तो सबसे पहले राम एंड श्याम दोनों के हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम इसका हम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क, और 60 आए तो इसको हम 60 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, और टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है, राम 12 दिन में कर रहा है, तो 60 में हम लोग 12 से भाग देते हैं तो एक दिन में ये 5 यूनिट करेगा। ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट पर डे। इसी तरह इसमें भी हम श्याम का भी ऐसे ही करते हैं, 60 में 15 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। ठीक, अब दोनों मिलके राम प्लस श्याम मिलके 9 यूनिट। अब बोला गया कि एक थर्ड पर्सन रवि। ठीक है, रवि जो है, रवि की एफिशिएंसी है, रवि की एफिशिएंसी जो है 2/3 ऑफ राम प्लस श्याम। तो देखिए, हम लोग राम और श्याम का निकाल चुके हैं, 9 यूनिट एक दिन में बना रहा है, तो हम यहां पर ये 9 यूनिट निकाले, इसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे 2/3 × 9, तो ये कितना आ जाएगा, 6 यूनिट पर डे। मतलब रवि के द्वारा जो काम किया गया है वो 6 यूनिट एक दिन में काम किया जा रहा है। तो पूछा गया कि टोटल वर्क है हमारा जो 60 यूनिट है वो कितने दिनों में रवि अकेला कर लेगा। देख, 6 यूनिट एक दिन में रवि के द्वारा। ठीक है, और टोटल हमको कितना करवाना है काम, टोटल 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट का हम यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, 60 यूनिट का 1/6 × 60, तो 10 डेज में रवि के द्वारा अकेला 10 डेज में इसी काम को, सेम काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ए एलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू द सेम वर्क इज 5:3, फाइंड हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं कि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और जो रेशियो है टाइम का ए और बी का 5:3 गिवन है, तो हमको निकालना है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है, सबसे पहली बहुत जरूरी होता है टाइम एंड वर्क में कि टोटल वर्क निकालना, आपका टोटल वर्क कैसे निकलेगा। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क देखिए, ए 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो ए काम लिख लिया 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और फिर उसका क्या टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो ए बी का टाइम का रेशियो दिया है, टाइम, ठीक है, 5:3,
अब हम टाइम जैसे यहाँ गिवेन है तो सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी पहले निकाल लेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको इन्वर्स कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। जैसे इसका भी रेशियो 5:3 है तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम इसको 3:5 कर देंगे। इफिशियंसी निकाल लिए कि मतलब कि ए और ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। तो देखिए ए 3 कर रहा है तो ए कितना दिन काम किया, 40 दिन, ठीक है। तो 40 दिन काम किया और एक दिन में 3 कर रहा है तो टोटल वर्क हमको कैसे पता चलेगा, 40 दिन एक दिन में 3, तो टोटल काम यहाँ से निकल गया ए 40 दिन और 3, तो 14 × 3 ये हमारा हो गया 120 यूनिट में आप लिख लीजिए 120 यूनिट, ये हमारा टोटल काम हो गया, ठीक है। तो देखिए और ए का एक दिन का काम दिया हुआ है 3 यूनिट पर डे, और इसी तरह बी का भी यहां दिया हुआ है एक दिन का इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे। अब बोला गया कि दोनों मिलके एक दिन में दोनों मिलके पहले हम एक दिन में निकाल लेंगे फिर टोटल का हम लोग निकाल लेंगे। ए बी मिलके दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट पर डे। अब देखिए 8 यूनिट एक दिन में, ए बी दोनों मिलके, ठीक है। और टोटल वर्क में कितना करवाना है, कितना 120 यूनिट, तो हमको 120 यूनिट में निकाल देंगे 1/8 × 120, तो ये 15 डेज में ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। ये हो गया आपका आंसर। ये दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क रिस्पेक्टिवली इन 9 and 12 डेज इफ ए स्टार्ट्स and they work on alternative days, then how many days will take to complete the work, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये क्या गया कि ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, लेकिन दोनों अल्टरनेट कर रहा है, लेकिन स्टार्ट ए के द्वारा पहले किया गया है, तो पूछा गया है कि टोटल काम हमको कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आप ये ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट डे ए काम करेगा, फिर सेकेंड डेज बी करेगा, फिर नेक्स्ट डेज ए, फिर बी, ठीक है। ये 2-2 का साइकिल, ये जो 2-2 का साइकिल है, ये 2-2 का साइकिल है, चलते रहेगा जब तक कि टोटल काम फिनिश नहीं हो जाए। तो ए 9 डेज, बी 12 डेज, दोनों का एलसीएम लेंगे जो हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। इसको हम यहां टोटल वर्क लिख लेते हैं, यूनिट ए टोटल काम 36 यूनिट है, 9 दिन किया तो एक दिन में कितना किया, 36 को हम लोग 9 से डिवीजन देंगे तो 4 यूनिट पर डे ए के द्वारा काम किया गया है। इसी तरह 36 यूनिट है, फिर हम लोग बी को डिवीजन 36 में देंगे तो 3 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलके मतलब ए और बी अल्टरनेट डे है तो दो दिन में कितना हो गया, 7 यूनिट ये दोनों मिलके किए हैं, मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे, इसी का 7 यूनिट का रोटेशन दो दिन के साइकिल में चलता जाएगा। जैसे यहाँ दो दिन में है, ठीक है, ये 2 डे, मतलब ये 2 डे में 7 यूनिट 2 डेज में कंप्लीट हुआ, ठीक है। 7 यूनिट 2 डेज में कंप्लीट हुआ। इसी तरह 2-2 का साइकिल चलते रहेगा और हमको टोटल 36 यूनिट 36 यूनिट काम करवाना है तो हम लोग इसका मल्टीपल देखेंगे। तो इधर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 5 से, तो हमारा नियरेस्ट जो 36 यूनिट आ जाएगा जो कि 7 का मल्टीपल है, 35 यूनिट इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 10 डेज में, ठीक है। 35 यूनिट जो हमारा काम था 10 दिनों में हो गया है, लेकिन हमको टोटल कितना काम करवाना है, 36 यूनिट, अभी भी 1 यूनिट बाकी है। 1 यूनिट अब कौन करेगा, क्वेश्चन में जैसा दिया गया कि ए स्टार्ट करेगा,
मतलब ए के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो एक यूनिट कौन करेगा, ए, और ए एक दिन में, ए एक दिन में कितना कर रहा है, चार यूनिट, ठीक है। तो एक जो यूनिट है, एक यूनिट कौन किसके द्वारा किया जाएगा, ए के द्वारा, ठीक है। एक यूनिट ए के द्वारा, जो कि एक दिन में चार यूनिट करता है, तो 1/4 एक दिन में, और इसको हम टोटल को ऐड कर लेंगे तो 10 एंड 1/4 डेज में टोटल काम दोनों मिलकर कंप्लीट कर देगा। यही आपका है आंसर।